अच्छा जी, अब यहाँ से जो हमारी डिस्कशन का स्टार्ट होगा वो एक और एक्सपेरिमेंट पर है, और वो एक्सपेरिमेंट जो है वो असल में, बल्कि मैं आपको एक दो टर्मिनोलॉजी पहले बता दूं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये बेटा कि ये जो F1 है, F1 जो जितनी भी बनी है इसमें, या जो F2 है, ये कितने कैरेक्टर्स में डिफर कर रही है? अपेरेंटली इस एक्सपेरिमेंट में कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने ट्रेड्स हैं जिन पे ये डिफर कर रहे हैं, ये F2 के जो ऑर्गेनिजम्स हैं कितने कैरेक्टर्स पर डिफर कर रहे हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास 1, 2, 3, 4। कैरेक्टर्स कितने हैं? वन जी, कैरेक्टर जो है वो एक है, ठीक है, और वो कैरेक्टर क्या है? सीड कलर। जब कोई भी एक्सपेरिमेंट, गौर से सुनिएगा, जब कोई भी एक्सपेरिमेंट एक कैरेक्टर के ऊपर किया जाएगा तो उस एक्सपेरिमेंट को आप कहते हैं मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। दोबारा सुन लीजिए, जब कोई भी एक्सपेरिमेंट एक कैरेक्टर के डिफरेंस पे किया जाएगा तो उसको आप मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कहेंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट अभी तक मेंडल ने किया है ये है मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड का क्या मतलब है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें कोई से दो ऑर्गेनिज्म एक कैरेक्टर पे एक दूसरे से डिफर कर रहे हो, एक कैरेक्टर के ट्रेट पर एक दूसरे से डिफर कर रहे हो। यहां पर कैरेक्टर सिर्फ एक है यानी सीड कलर, तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये जो हमने पनेट स्केयर बनाया ना, पनेट स्केयर हमने बनाया है इसमें दो तरह की रेशियोज आती हैं। अब मॉडर्न एक्सपेरिमेंट जो है ना उसके हवाले से हम बात करेंगे। इस पूरे पनेट स्केयर में से ना हम दो तरह की रेशियोज निकालते हैं बेटा। इसमें दो तरह की रेशियोज कौन सी आएंगी? एक रेशियो होती है जीनोटिपिक रेशियो और दूसरी रेशियो होती है फिनोटिपिक रेशियो। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, इस पूरे स्क्वायर में जीनोटिपिक रेशियो कौन कौन सी है, या जीनोटिपिक रेशियो कितनी है, कोई बता सकता है? या चले मैं आपको बता देता हूं, आप मुझे उसको जी बताइए, वैसे बताइए। मैं आपको बता देता हूं कितनी है, फिर आप उसको डिफाइन करेंगे कि जीनोटिपिक रेशियो ये क्यों है, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो जो इस वाले बॉक्स में आ रही है, इस वाले पनेट स्केयर में आ रही है, ये हर एक्सपेरिमेंट के एंड पे आपने करना है, ठीक है। इस वाले बॉक्स में जो जीनोटिपिक रेशियो आ रही है वो है 1:2:1। अब मुझे बताइए कि इसमें 1:2:1 जो है ये जीनोटिपिक रेशियो आने की क्या वजह है? इसका आंसर बड़ा सिंपल है। इस पूरे बॉक्स में ये जो एक्सप्रेशन अपीयर हो रहे हैं ना, इनके अगर रेशियो निकाली जाए तो 1:2:1 आ रही है इस पूरे बॉक्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है उनकी रेशियो 1:2:1 आ रही है। क्यों? एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, एक होमोजाइगस रिसेसिव और दो हेटरोजाइगस है। शाबाश, एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। देखिए 1:2:1 जीनोटिपिक, जीनोटाइप क्या होती है? जीनोटाइप यही होती है ना कि होमोजाइगस और हेटरोजाइगस बताने होते हैं आपने, और फिर होमोजाइगस के आगे ये बताना होता है कि होमोजाइगस डोमिनेंट है कि होमोजाइगस रिसेसिव है। तो जीनोटिपिक रेशियो इस वाले बॉक्स में क्या हुई बेटा? ये वाला जो है सबसे ऊपर वाला, ये है होमोजाइगस डोमिनेंट, ये है हेटरोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव, और ये है हेटरोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। तो दो हेटरोजाइगस डोमिनेंट 2, एक होमोजाइगस डोमिनेंट 1 और एक होमोजाइगस रिसेसिव 1। तो 1:2:1 जो है वो इस बॉक्स में जीनोटिपिक रेशियो है। अब आइए फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो कितनी आई हुई है जी? अब आप बताइए फिनोटिपिक रेशियो क्या आई है इसमें? पहले मैंने रेशियो बता दी थी ना, अब रेशियो आप बताएंगे।
इस वाले ये जो एक्सप्रेशन मैंने बनाया ना, इसको देख के जरा बताइएगा मुझे, फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रही है? फिनोटाइप क्या होती है बच्चे? फिनोटाइप क्या होती है? जल्दी, जीनोटाइप का एक्सप्रेशन होती है ना फिनोटाइप। जीनोटाइप अपने आप को जिस लिहाज से एक्सप्रेस करती है, जो आपके सामने एक्सप्रेस करती है, वो फिनोटाइप है। अब मुझे बताइए फिनोटाइपिक रेशो क्या आ रही है? कितने येलो हैं? वन टू थ्री, थ्री येलो ग्रीन एक, थ्री रेशो वन। थ्री रेशो वन जो है वो आ रही है क्या? थ्री रेशो वन आ रही है फिनोटिपिक रेशो यानी एक्सप्रेशन रेशो, और जीनोटिपिक रेशो आ रही है वन रेशो टू रेशो वन। बेटा अभी यहां पे मायरा आई थी, कितने हैं बाकी? ये कहाँ है? अली भी नहीं आ रहा, फातिमा, हादिया। चलो अली का और हादिया का तो मुझे पता है, फातिमा का क्या मसला है? मरियम किधर है? फातिमा बेटा मरियम को पता? सर पूछ के बताती हूँ मैं। चलें ठीक है। सो किसी भी स्क्वायर में से जो भी आप अल्टीमेटली स्टैटिस्टिकल वर्किंग करेंगे ना, उसकी आगे से रेशियो निकालना बड़ा जरूरी होता है। अच्छा जी, अब आइए, मसला ये है, ट्रू ब्रीड्स की हमने बात कर ली थी आखिर में। अच्छा अब मसला ये है कि अभी तक हमने जो एक्सपेरिमेंट किए वो कौन से एक्सपेरिमेंट थे? अभी तक के जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किए थे ना, वो थे एक्सपेरिमेंट्स वर मोनोहाइब्रिड। मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, ये येलो कुछ ज्यादा हल्का है। एक्सपेरिमेंट्स वर मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का ऑब्वियसली मतलब क्या है? मोनोहाइब्रिड का मतलब ये है कि आप उनमें कितने कैरेक्टर का डिफरेंस देख रहे थे? डिफरेंस ऑफ वन कैरेक्टर। ये आप उनमें सिर्फ डिफरेंस ऑफ वन कैरेक्टर देख रहे थे, यानी एक कैरेक्टर के डिफरेंस से उन दोनों का जो जेनेटिक है, अपना जो जेनेटिक पैटर्न है वो देख रहे थे। तो इसी वजह से आपने, क्योंकि वो वन कैरेक्टर पे डिफर कर रहे थे, लिहाजा आपने इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया था? आपने इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया था मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब सवाल ये आ जाता है, व्हाट इफ वी कंबाइन टू कैरेक्टर्स? मतलब अगर हम दो कैरेक्टर्स को कंबाइन करें, दो कैरेक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? अब यहां से मेंडल ने जो है वो अपनी एक और वर्किंग, अगली वर्किंग स्टार्ट की। ठीक है, मेंडल ने क्या कहा कि अगर हम दो एक्सपेरिमेंट्स, दो कैरेक्टर्स को मिला के एक्सपेरिमेंट करें तो उसमें क्या होगा और जो है वो उसके आगे क्या नतीजे निकलेंगे। तो अब मेंडल ने दो कैरेक्टर्स जो है वो स्टडी करना स्टार्ट किए। एक था वंस अगेन सीड कलर, जो आप पढ़ के आए हैं, और दूसरा था सीड शेप। ठीक है, अब ये जो सीड कलर है ना, इसके बारे में तो आपको पता है कि इसके दो ट्रेट्स हैं, एक है येलो और दूसरा है ग्रीन। ठीक है, और इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव भी आपको पता है। सीड शेप जो है, इसके दो ट्रेट्स हैं बेटा, एक है राउंड, जिसमें सीड जो है वो पूरा राउंड होता है, और दूसरी शेप जो होती है वो होती है रिंकल्ड। रिंकल्ड का मतलब होता है झुरियां। ठीक है, ये इस तरह का सीड जो है वो रिंकल होता है। ठीक है, सो दो तरह, अब उसने दोनों कैरेक्टर्स को इकट्ठे स्टडी करना शुरू किया। ठीक है, अब इसमें ऑब्वियसली जो डोमिनेंट है वो है येलो, तो आप इसमें वाई अल्फाबेट यूज करते हैं, ग्रीन के लिए भी स्मॉल वाई यूज करते हैं। इसमें बेटा डोमिनेंट जो है वो राउंड है। ठीक है, लिहाजा इसके लिए, इसमें आप क्या करते हैं, कैपिटल आर यूज करते हैं, और रिंकल के लिए जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो स्मॉल आर यूज करते हैं। अच्छा, अगर मैं सबसे पहले सीड शेप का एक्सपेरिमेंट करूं, सीड कलर को छोड़ दें, अगर मैं मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट करूं, यानी एक ही कैरेक्टर का एक्सपेरिमेंट करूं, और फर्ज किया कि मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि जो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट हम सीड शेप का करते हैं, तो क्या आएगा? स्टार्ट कहां से होगा, जल्दी से बताइएगा। सिर्फ आपने मोनोहाइब्रिड का करना है, सीड शेप कैरेक्टर है। सॉरी सॉरी जी, बिल्कुल ट्रू ब्रीड से स्टार्ट होगा। ठीक है,
ट्रू ब्रीड क्या है कि आप दो कैपिटल आर वालों को क्रॉस करवाएंगे स्मॉल आर वालों से, ठीक है, यानी कि दोनों होमोजाइगस होंगे कैरेक्टर के लिए। इनको जब आप क्रॉस करवाएंगे दोनों जो है वो मियोसिस में सेपरेट हो जाएंगे, और जब दोनों मियोसिस में सेपरेट होंगे तो उसके बाद फिर जो है वो आप इनको जो है F1 इनकी जो आएगी वो कैपिटल आर स्मॉल आर वही वाली बिल्कुल एग्जैक्ट वही रेशो जो मेंडल ने इससे पहले की थी उसके लिए सीड कलर के लिए। इसी तरीके से आप जब F1 क्रॉस F1 करवाएंगे तो वंस अगेन आप कैपिटल आर स्मॉल आर को जो है वो करवाएंगे क्रॉस, और अल्टीमेटली आपको फिर से क्या बनाना पड़ेगा, पनट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और पनट स्क्वायर बना के आप जो है वो कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ रखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ रखेंगे, और उसके बाद फिर आपको पता है अल्टीमेटली फिनोटिपिक रेशियो आ जानी है 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो आ जानी है 1:2:1। ये वही एक्सपेरिमेंट है जो आप करके आ चुके हैं, लेकिन किसके लिए करके आए हैं, सीड कलर के लिए। अब मैंने आपको एक क्विकली ये सीड शेप के लिए भी करके दिखा दिया कि सीड शेप के लिए ये ऐसे होगा। अब आप जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वंस अगेन आपने जी बच्चे कितनी देर से आवाज नहीं आ रही। आखिरी बात मैंने की थी आखिरी बात मैंने क्या की थी सिर्फ पनट स्क्वायर बनाया था सीड शेप के लिए, सीड शेप के लिए पनट स्क्वायर बनाया था, ठीक है। अब इसमें जो है वो हमने क्या कहा कि जब आपने एक फॉर्म मोनोहाइब्रिड के लिए एक्सपेरिमेंट कर दिया, ठीक है, मोनोहाइब्रिड सीड कलर के लिए आप पिछले लेक्चर्स में कलर करके आए हैं, सीड शेप के लिए मैंने आपको मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट पूरा कर दिया, ठीक है। अब क्या है, अब मेंडल ने कहा कि सीड कलर के लिए भी वही रेशोज आई, सीड शेप के लिए भी वही रेशो आई, आर आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है, वही की वही रेशोज एग्जैक्टली आई। अब मेंडल ने कहा कि यार चलो मोनोहाइब्रिड यानी एक कैरेक्टर के डिफरेंस से तो हमने स्टडी कर लिया, व्हाट अबाउट इफ वी कंबाइन द टू फैक्टर्स, टू कैरेक्टर्स, ठीक है। अब मेंडल ने अगला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, और आपको पता है कि अभी जिस तरह बात हुई कि मेंडल ने जब स्टार्ट करना है तो वो ट्रू ब्रीड से स्टार्ट करना है, तो उसने किनको क्रॉस करवाया, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर, उसने कराया, जी बेटा अगर आप ट्रू ब्रीड कहें तो डोमिनेंट ट्रू ब्रीड में कौन से कैरेक्टर होने चाहिए, जी जल्दी से डोमिनेंट ट्रू ब्रीड में कौन से कैरेक्टर होने चाहिए, इस वाले एक्सप्रेशन को देखकर बताइए डोमिनेंट ट्रू ब्रीड के दोनों कैरेक्टर कौन से होने चाहिए। येलो राउंड, जी पहला जो उसने ट्रू ब्रीड जो है वो येलो राउंड, और दूसरा ऑब्वियसली कौन सा होगा, दूसरा जो ट्रू ब्रीड होगा वो हाँ जी दूसरा ट्रू ब्रीड बताइए, ग्रीन रिंकल, रिंकल ग्रीन, ग्रीन रिंकल, ठीक है, ये होंगे ना। जाहिर है कि आपने जो है वो ट्रू ब्रीड से स्टार्ट कराना है तो दोनों के आप एक तरफ होमोजाइगस डोमिनेंट लेंगे, दूसरी तरफ होमोजाइगस रिसेसिव लेंगे, ठीक है। तो अब हम बजाय इसके कि हम ये सीड वाली वर्किंग करें, हम डायरेक्ट अल्फाबेटिकल वर्किंग करेंगे, मैथमेटिकल वर्क करेंगे। जी बेटा राउंड येलो है, ठीक है, पहला जो है वो आपने क्रॉस करवाया है राउंड येलो को, तो अगर आपने राउंड येलो को क्रॉस करवाया है तो राउंड के सबसे पहले तो देखिए कि राउंड के लिए कौन सा डोमिनेंट है जीन आर, और येलो के लिए कौन सा डोमिनेंट जीन है वाई। अब ये पेयर में होंगे जीन, लिहाजा आप कैपिटल आर कैपिटल वाई करेंगे, इनको क्रॉस करवाएंगे स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई,
ये अब आपके पास जो है वो जीनोटाइप है, होमोजाइगस जीनोटाइप, जिनको अब आप जो है वो क्रॉस करवा रहे हैं। बेटा स्क्रीन अपीयर हो रही है? ये सर हो रही है। अब जनाब इसके जब आप गैमेट्स बनाएंगे तो आपको पता है कि अब इसके गैमेट्स में जो कैपिटल आर कैपिटल वाई एक तरफ रख देंगे और दूसरा कैपिटल आर कैपिटल वाई दूसरे गैमेट में रख देंगे। ठीक है, मेंडल ने आगाज में वर्किंग इसी तरह की। मेंडल ने कहा कि जो है वो असल में उसको जो सीड सीड वाली वर्किंग है ना, पहले हम अगर उसको पढ़ लेते तो हमें ज्यादा बेहतर समझ आता। वैसे ऐसे करते हैं कि पहले ना सीड वाली वर्किंग पढ़ते हैं। जैसे मेंडल ने राउंड येलो को कराया, ठीक है, और उसके बाद जो है वो रिंकल ग्रीन को कराया। तो मैं रिंकल ग्रीन जो है इसको भी बना लेता हूँ, और वो जो पहले वाली जो है ना उसको पहले पढ़ लेते हैं। जब मेंडल ने राउंड येलो और रिंकल ग्रीन को क्रॉस करवाया ना, तो राउंड येलो और रिंकल ग्रीन का जो नतीजा निकला वो क्या था? वो था सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी सब के सब क्या बन गए? राउंड येलो। और यही रिजल्ट नहीं आया था उधर भी, दोबारा से वही रिजल्ट नहीं आ गया? सब में F1 सारे के सारे वो कैरेक्टर एग्जिबिट करते हैं जो कौन सा होता है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। यही आया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी। जरा सोचें, याद करें, F1 में सारे के सारे वो कैरेक्टर अपियर हुए थे जो किसके थे, जो डोमिनेंट कैरेक्टर थे। ठीक है, तो यही हुआ इधर भी कि राउंड येलो और रिंकल ग्रीन को जब उसने क्रॉस करवाया तो जो F1 आई उसमें सब में कौन सा कैरेक्टर था डोमिनेंट वाला, यानी ऑल राउंड येलो, ऑल राउंड येलो आ गए। अब यहां से मेंडल ने एक अदद थिंकिंग शुरू की। मैं एक दफा स्क्रीन शेयर खत्म करके दोबारा करता हूं, ठहरिएगा। अब यहां से मेंडल को एक ख्याल आया, उसने कहा कि अगर इसमें दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं और इसमें दोनों रिसेसिव कैरेक्टर हैं, और अगली नस्ल में सारे जो शो हुए हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर लेकर शो हुए हैं, तो जरा गौर से सुनिएगा मेंडल की जो एक्सपेक्टेशन थी। डू द डोमिनेंट कैरेक्टर डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर ट्रांसपोर्ट? यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर जो है क्या वो आपस में एक दूसरे के साथ डिपेंड कर रहे होते हैं कि भाई एक डोमिनेंट कैरेक्टर जिसमें जाएगा अगली नस्ल में सारे डोमिनेंट कैरेक्टर उधर ही जमा होंगे। जैसे आपने कहा ना, यहां पे कौन से कैरेक्टर हैं, यहां पे इस वक्त दो ही डोमिनेंट कैरेक्टर इकट्ठे हो गए हैं राउंड येलो वाले। तो मेंडल कहता है कि जी अगर तो यहां पे F1 में दोनों राउंड येलो इकट्ठे हो गए, यानी दोनों के दोनों जो हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर इकट्ठे हो गए हैं, तो क्या हर दफा ऐसे होता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर जो हैं वो आपकी एक और बुक में ना, एक हायर बुक में बड़ा जबरदस्त अल्फा वर्ड लिखा हुआ है कि क्या डोमिनेंट कैरेक्टर पैकेजिंग में शिफ्ट होते हैं? क्या डोमिनेंट कैरेक्टर जुड़े होते हैं? क्या डोमिनेंट कैरेक्टर इकट्ठे शिफ्ट होते हैं आगे? अब इसके लिए मेंडल ने क्या करवाया? मेंडल ने करवाया F1 क्रॉस F1। जी बेटा यहां तक क्लियर है बात? अगर मुझे बता दीजिए ताकि अगर कोई पॉइंट मिसिंग है या कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको क्लियर कर दूं। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, वरना मैं आगे शुरू करता हूं, या कोई रिपीट करवाना है तो चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, जब एक दफा उसने देख लिया कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो एक ही नस्ल में सारे जमा हो गए हैं और उन्होंने रिसेसिव कैरेक्टर्स को जो है वो बिल्कुल मास्क कर दिया है, ठीक है, मतलब रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर अगर पैकेजिंग में आएंगे तो जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो मास्क हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब देख लेते हैं कि क्या ये पैकेजिंग में आते हैं या ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। हमने कहा ना डिपेंड करते हैं कि नहीं, क्या ये ट्रांसपोर्ट में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इकट्ठे आते हैं
या ये इंडिपेंडेंट होते हैं। अब ये मेंडल ने दो ख्यालात बनाए, मेंडल ने कहा कि या तो ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर या तो इंडिपेंडेंट होते हैं, या फिर ये जो दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं ये मिलकर अगली नस्ल में ट्रांसफर होते हैं, यानी पैकेज हो जाता है, जुड़ जाते हैं। अब मेंडल ने F1 को क्रॉस कराया F1 से, जी F1 क्रॉस F1 में क्या है कि ये आपके पास है येलो सीड, इसी को आपने जो है वो F1 के येलो सीड को F1 के येलो सीड से क्रॉस करवाया, ठीक है, यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दी। अब जब मेंडल ने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई ना, तो एक अजीब सा रिजल्ट मेंडल को मिला। मेंडल को येलो सीड भी मिला, येलो राउंड, राउंड येलो भी मिला मेंडल को। मेंडल को राउंड ग्रीन भी मिला। मेंडल को रिंकल येलो भी मिला और मेंडल को रिंकल ग्रीन भी मिला। जी अब इससे आप लोग क्या अखज करते हैं, क्या डोमिनेंट कैरेक्टर जो हैं वो पैकेजिंग में आए हैं या अलग हो गए हैं दूसरे से? हाँ भाई, इसको आप सिर्फ और सिर्फ कैसे गैस कर सकते हैं, सिर्फ उस सूरत में अगर आप इसका मैथमेटिकल वर्किंग करें, ठीक है। तो अब आप इसकी जरा मैथमेटिकल वर्किंग करेंगे बिल्कुल उसी तरह, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये कौन सी फिनोटाइप होगी, ये वाली फिनोटाइप, जी बताएगा कोई ये वाली फिनोटाइप कौन सी होगी, जीनोटाइप तो होमोजाइगस डोमिनेंट है ना, ये फिनोटाइप कौन सी होगी? राउंड येलो, जी राउंड येलो, ठीक है, और ये रिंकल ग्रीन। अब मेंडल ने कहा कि चलो यार अब इसके मैथमेटिकल वर्किंग करते हैं। उसने जनाब सबसे पहले इनके गैमेट्स बनाए, एक गैमीट में रखा उसने कैपिटल आर कैपिटल वाई को, दूसरे गैमीट में रखा उसने कैपिटल आर कैपिटल वाई को, बिल्कुल यही काम उसने इसके साथ भी किया स्मॉल आर स्मॉल वाई, और बिल्कुल सेम उसने इसके साथ भी किया स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि जो जब इनमें फर्टिलाइजेशन होगी तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएंगे, ठीक है। जब ये चाहे ये इससे जाके फर्टिलाइज कर ले, चाहे ये इससे जाके फर्टिलाइज कर ले, बात एक ही है, कैपिटल आर कैपिटल वाई नहीं आना है, ठीक है। तो अब ये वाली जो ऑब्वियसली इसकी फिनोटाइप क्या आएगी, क्योंकि ये ऑल जो है ना वो राउंड येलो है, सारे के सारे राउंड येलो है। यही वाला एक्सपेरिमेंट अभी पिछले वाले उसमें नहीं हुआ था, यही वाला रिजल्ट निकला था ना इस वाले एक्सपेरिमेंट में भी, इधर भी तो यही हुआ, जब उसने ट्रू ब्रीड्स को क्रॉस करवाया तो राउंड येलो ही आए, यहां पर भी जब उसने ट्रू ब्रीड्स को क्रॉस करवाया तो सब राउंड येलो आए। तो ये हो गई F1। अब इसके बाद क्या है, मेंडल ने क्रॉस करवाया F1 क्रॉस F1। अब जब मेंडल ने F1 क्रॉस F1 करवाया तो अब जरा देखिएगा, F1 के जो जीनोटाइप है वो सारी हेटरोजाइगस हैं, आर 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 और वाई वाई और वाई वाई, सब हेटरोजाइगस। अब आप इनके गैमीट्स कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत गौर से बात सुननी है आपने। इसके गैमीट्स बनाने का बहुत आसान तरीका है, या तो आप यूं करें कि पहले इस आर को इस वाई के साथ मिला लें और फिर इस आर को इस वाई के साथ मिला लें, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर दूसरे नंबर पे क्या करें, इस आर को इस वाले वाई के साथ मिला लें, इस आर को इस वाले वाई के साथ मिला लें, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये गैमीट बने। और ऑब्वियसली अगर चार गैमीट्स इसके बन रहे हैं तो इसके पास भी तो सेम जीनोटाइप है ना, जैसी जीनोटाइप इसकी है वैसी ही जीनोटाइप इसकी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की जो जीनोटाइप है उसके गैमीट्स दोनों के बराबर बनेंगे, चार इसके गैमीट हो गए, चार इसके गैमीट हो गए, टोटल कितने गैमीट हो गए, 8। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने जो है वो बनाना है उसी तरह पनट स्क्वायर, तो अब आपको उसमें 16 खाने रखने पड़ेंगे, क्योंकि चार इसके हैं चार इसके हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 4, इसी तरीके से 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेंडल ने जो है ना वो इनकी जो फिनोटाइप है जो पहले रिजल्ट में आई है उसको डिटरमिन करने के लिए, अब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पिछले वालों के गैमीट्स रखता गया था वो इधर लेफ्ट साइड पे और ऊपर की साइड पे, तो यहां पर भी रखता गया,
ले जी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा क्या है कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा है स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा है स्मॉल आर स्मॉल वाई। बिल्कुल ऐसे ही आप यहां पर भी रखेंगे, कैपिटल कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जरा इन सब को मिलाकर देखिए, तो आइए जरा बुक से देखते हैं। ये देखिए, जब आप इन सबको मिलाकर देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि जब आप कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई को कैपिटल आर कैपिटल वाई से मिलाएंगे तो राउंड येलो बनेगा। जब आप कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई को मिलाएंगे तब भी राउंड येलो बनेगा, लेकिन जब आप स्मॉल आर कैपिटल वाई को मिलाएंगे तो कौन सा कैरेक्टर बनेगा? स्मॉल आर यहां पर देखिए, ये वाला स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये कौन सा कैरेक्टर, ये कौन सी फिनोटाइप आएगी? ये है रिंकल येलो। ठीक है, इसी तरह अगर आप स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई को मिलाएंगे तो कौन सी फिनोटाइप आएगी? रिंकल ग्रीन। ठीक है, अच्छा राउंड ग्रीन भी आ रहा है। जैसे अगर आप कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई को क्रॉस करवाएंगे तो ये कौन सी आएगी? ये आएगी वो राउंड ग्रीन। ठीक है, अब आप जरा आइए, मेंडल को अपने पिछले एक्सपेरिमेंट में कौन सी फिनोटाइप्स मिली हैं? राउंड येलो। अभी उस जो एक्सप्रेशन है उसमें हमें राउंड येलो मिला ना, फिर हमें राउंड ग्रीन भी उधर मिला है उस बॉक्स में, फिर हमें रिंकल येलो भी उधर मिला है और हमें रिंकल ग्रीन भी मिला है, और ये सारे के सारे जो हैं ये इधर अगर हैं तो यहां इससे क्या पता लगता है? अब जरा गिनिए राउंड येलो कितने हैं बेटा, जल्दी से जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राउंड येलो हैं 9। रिंकल येलो कितने हैं? 1 2 3 रिंकल येलो हो गए 3, फिनोटिपिक रेशो की बात कर रहा हूं मैं। फिर उसके बाद राउंड ग्रीन कितने हैं? 1 2 3 राउंड ग्रीन 3 ये हो गए राउंड ग्रीन, और रिंकल ग्रीन कितने हैं? 1, सिर्फ एक रिंकल ग्रीन है। तो 9 3 3 1 की रेशियो से उसको अपने मैथमेटिकल वर्किंग में भी उसको रेशियो मिल गई, और ये जो उसका ओरिजिनल नेचुरल एक्सपेरिमेंट था उसमें भी उसको क्या मिल गई? 9 3 3 1 की रेशियो मिल गई। इससे उसने क्या सबूत निकाला? उसने कहा कि अगर इतनी ह्यूज शफलिंग हुई है तो इसका मतलब ये है कि बोथ डोमिनेंट कैरेक्टर्स डू नॉट कम इन पैकेज, दे डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये जो दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं ये एक दूसरे पर जो है वो डिपेंड नहीं करते। तीसरी बार हो रहा है, डिस्कनेक्ट होता फिर कनेक्ट होता। फुल पीक पे बंदे का लेक्चर हो, दरमियान में ये हरकत हो जाए, इतनी ज्यादा रेशियो आने के बाद, यानी कि आप देखें, अगर चलें आप मुझे बताएं कि एक सवाल का मुझे जवाब दें, सोच के जवाब दीजिएगा कि अगर ये दोनों राउंड और येलो कैरेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते तो फिनोटाइप क्या आती? एक दूसरे के साथ जुड़कर आगे जा रहे होते तो फिनोटाइप क्या आती? जल्दी, सिर्फ राउंड येलो, सिर्फ राउंड येलो आती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के जा रहे होते, फिर उसके बाद होती ना कोई और फिनोटाइप, क्योंकि अगर दोनों जुड़कर जाएंगे एक दूसरे के साथ तो इसका मतलब है कि दोनों के सारी नस्ल में ही राउंड येलो हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर राउंड येलो आ रहा है राउंड ग्रीन आ रहा है, रिंकल येलो आ रहा है रिंकल ग्रीन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सारे कैरेक्टर एक्सट्रीमली शफल हो रहे हैं, और एक्सट्रीमली शफल होकर ही ये सारे कैरेक्टर सामने आना पॉसिबल है। इस तरह मेंडल ने ये भी क्लियर कर दिया कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं दे डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। अब आप जरा देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो है उसके बारे में मेंडल क्या जो है वो स्टेटमेंट देता है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है,
When two contrasting pair of traits are followed in the same cross, their alleles assort independently into gametes. उनके जो एलील्स होते हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होकर गैमीट्स में आगे जाते हैं. ये जो वो बात है जो मेंडल ने आखिर में साबित की, और इससे क्या नतीजा निकाला कि देखें पहले तो एलील सेग्रीगेट हो गए, बाद में हमने क्या सोचने की कोशिश की कि शायद डोमिनेंट के एलील्स इकट्ठे रहते हैं, रिसेसिव के एलील्स इकट्ठे रहते हैं और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है. लेकिन क्या साबित हुआ कि कोई एलील इकट्ठे नहीं रहते, डोमिनेंट डोमिनेंट पे कोई एक कैरेक्टर के एलील दूसरे कैरेक्टर के एलील्स पे डिपेंड नहीं करते, हर कैरेक्टर का एलील अलग अलग असॉर्ट होता है. सो इसको मेंडल ने नाम दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. बेटा समझ आई कि नहीं आई, इसको जरा बताइएगा मुझे ताकि इसको हर पॉइंट इसका क्लियर करें. कोई ऐसी बात, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई बात रिपीट करवानी हो.